नदी न्यूटन रेत का अवैध उत्खनन जारी है। ठेकेदार द्वारा रेत खदान के बाहर से रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। ग्रामीणों द्वारा शिकायत करने पर भी खनिज अधिकारी और परासिया राजस्व विभाग और उसके साथ पुलिस विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कार्रवाई न होने के कारण ठेकेदारों के हौसले बुलंद है। दस बारह हेक्टर की खदान के नाम पर लगभग 6 किलोमीटर के एरिया से अवैध रूप से रेत का उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है। पिछली बारी मैंने शिकायत किया था, मेरी शिकायत पर इस पार्ट में आनंद सूर्यवंशी का ट्रैक्टर पिछली बारी पुलिस ने पकड़ी थी। उसके बाद भी ये लोग इस गतिविधि को निरंतर सुचारू रूप से कर रहे हैं। छिंदवाड़ा शहर में आज ओबीसी युवा छिंदवाड़ा की तवाधान में दैनिक वेतन भोगी श्रमिक पिछले 25 से 30 वर्षों तक लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं, जिसके बावजूद आज भी यहां महिलाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। पिछले 3 माह से ये महिलाएं बेरोजगार हैं। ओबीसी युवा महासभा द्वारा अपनी मांगों से जिला कलेक्टर को अवगत कराया गया है और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती तो वह उग्र आंदोलन करेंगी। न्यायाधीश मनोज सोनी पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। रीवा माओ की निवासी पीड़ित लड़की ने अजयगढ़ मजिस्ट्रेट पर